विश्वकर्मा साथियों को बिना गारंटी मांगे जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में अगर आपने की ट्रेनिंग हो गई, आपने नए टूल ले लिए तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो वंचितों को वरीयता देती है। ये हमारी सरकार ही है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए हर जिले के विशेष उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। हमारी सरकार ने ही पहली बार रेहड़ी पटरी ठेले वालों को पीएम स्वनिधि के तहत मदद की है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार बंजारा और गुमंत जनजातियों की परवाह की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आजादी के बाद पहली बार दिव्यांग जनों के लिए हर स्थान पर विशेष सुविधाएं विकसित की है। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी, उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, जब टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलते हैं तो क्या कमाल होता है, ये पूरी दुनिया ने G20 क्राफ्ट बाजार में भी देखा है। G20 में हिस्सा लेने के लिए जो विदेशी मेहमान आए थे उनको भी गिफ्ट में हमने विश्वकर्मा साथियों के बनाए सामान ही भेंट में दिए। लोकल के लिए वोकल का ये समर्पण हम सभी का, पूरे देश का दायित्व है। क्यों इसमें ठंडे पड़ गए? ना मैं करूं तो खुद ताली बजाते हो, आपको करने की बात आए तो रुक जाते हो। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जो चीजें हमारे कारीगर बनाते हैं, हमारे लोग बनाते हैं, वो दुनिया के बाजार में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? दुनिया के बाजार में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ये काम पहले लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा।
साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले बस, और कुछ नहीं। हर छोटी मोटी चीज, कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो, मेरे वह परिवारजनों, आज का विकसित होता हुआ भारत हर क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि कैसे भारत मंडपम को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि इसी परंपरा को और भव्यता से आगे बढ़ाता है। और यशो भूमि का सीधा सीधा संदेश है, इस भूमि पर जो भी होगा यश ही यश प्राप्त होने वाला है। ये भविष्य के भारत को शोकेस करने का एक शानदार सेंटर बनेगा। साथियों, भारत के बड़े आर्थिक सामर्थ्य, बड़ी व्यापारिक शक्ति को शोकेस करने के लिए भारत की राजधानी में जैसा सेंटर होना चाहिए, ये वो सेंटर है। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पीएम गतिशक्ति के दर्शन एक साथ होते हैं। अब देखिए, ये एयरपोर्ट के पास में है, इसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की सुविधा दी गई है। आज यहां मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। ये मेट्रो स्टेशन सीधा इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। इस मेट्रो सुविधा के चलते दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लोग का समय बहुत आसानी से, कम समय में ये यहां पहुंच पाएंगे। यहां जो लोग आएंगे उनके लिए ठहरने का, मनोरंजन का, शॉपिंग का, टूरिज्म का पूरा इंतजाम यही इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया हुआ है, पूरी व्यवस्था में बना हुआ है। मेरे परिवारजनों, बदलते हुए समय के साथ विकास के, रोजगार के नए नए सेक्टर्स भी बनते हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई इतनी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 30-35 साल पहले सोशल मीडिया भी एक कल्पना भरी था। अब दुनिया में एक और बड़ा सेक्टर बन रहा है जिसमें भारत के लिए असीम संभावनाएं हैं। ये सेक्टर है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म इंडस्ट्री 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हर साल दुनिया में 32,000 से भी ज्यादा बड़ी एग्जीबिशन लगती है, एक्सपो होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस देश की आबादी 2-5 करोड़ होगी लोग वहां भी कर देते हैं, यहां तो 140 करोड़ की आबादी है, जो आएगा वो मालामाल हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है। कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए आने वाले लोग
एक सामान्य टूरिस्ट की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। भारत की ही अनेकों बड़ी कंपनियां हर साल अपने इवेंट्स बाहर करने के लिए मजबूर हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश और दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे सामने है। अब आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। और साथियों, आप सब जानते हैं एडवेंचर टूरिज्म वही होगा जहां एडवेंचर के साधन संसाधन हो। मेडिकल टूरिज्म वही होगा जहां आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हो। स्पिरिचुअल टूरिज्म वही होगा जहां ऐतिहासिक धार्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो। हेरिटेज टूरिज्म भी वही होगा जहां हिस्ट्री और हेरिटेज का बाहुल्य हो। इसी तरह कॉन्फ्रेंस टूरिज्म भी वही होगा जहां इवेंट्स के लिए, मीटिंग्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए जरूरी साधन संसाधन हो। इसलिए भारत मंडपम और यशो भूमि ये ऐसे सेंटर हैं, वो दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहे हैं। अकेले यशो भूमि सेंटर से ही लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। यशो भूमि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर के देशों से लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स, एग्जीबिशंस, इन सब के लिए क्यू लगने वाली है। आज मैं दुनिया भर के देशों में एग्जीबिशन और इवेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को हिंदुस्तान में, दिल्ली में, यशो भूमि में विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। मैं देश की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र की फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को आमंत्रित करूंगा। आप अपने अवार्ड समारोह, फिल्म फेस्टिवल यहां आयोजित करिए, फिल्म के पहले शो यहां आयोजित करिए। मैं इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनीज, एग्जीबिशन सेक्टर से जुड़े लोगों को भी भारत मंडपम और यशो भूमि से जुड़ने को आमंत्रित करता हूं। मेरे परिवारजनों, मुझे विश्वास है भारत मंडपम हो या यशो भूमि, ये भारत के आतिथ्य, भारत की श्रेष्ठता और भारत की भव्यता के प्रतीक बनेंगे। भारत मंडपम और ये यशो भूमि दोनों में ही भारतीय संस्कृति और अत्याधुनिक सुविधाओं, इन दोनों का संगम है। आज ये दोनों भव्य प्रतिष्ठान नए भारत की यश गाथा देश और दुनिया के सामने गा रहे हैं। इनमें नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी है जो अपने लिए सबसे बेहतरीन सुविधाएं चाहता है। साथियों, मेरे शब्द लिख के रखिए, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उस नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा
देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। ये समय हम सभी के लिए जुट जाने का समय है। हमारे विश्वकर्मा साथी मेक इन इंडिया की शान है और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के इस स्थान को दुनिया के सामने शोकेस करने का माध्यम बनेगा। एक बार फिर सभी विश्वकर्मा साथियों को ये बहुत बड़ी आशावादी योजना के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये नया सेंटर यशोभूमि भारत के यश का प्रतीक बने, दिल्ली की शान को और बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।